दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। अंतरिम जमानत मतलब एक समय अवधि के बाद इनको खुद से जाके जज साहब से कहना है कि माय बाप, अब हम सरेंडर कर रहे हैं, हमको जहां रखना है रख लीजिए। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, यानी कि जो मामला चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ये एक समय अवधि का बिल है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि देश में हो रहे चुनावों को कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो प्रभावित करना चाहती हैं। वो हमारे चुनावों पे अपनी राय नहीं दे रही हैं, बल्कि भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाह रही हैं। अरविंद केजरीवाल रिहा होते हैं, तो पाकिस्तान से बयान आता है। बयान किनका आता है? वही रियासत पुदीना का एक जो भूतपूर्व मिनिस्टर है, मवाद चौधरी। ये कहते हैं कि भाई ये जो है ये मोदी की हार है, और मॉडरेट इंडिया जो है वो मॉडरेट इंडिया की यहां से शुरुआत है। अब सवाल इस बात पर है कि देश में कोई एक लीडर जो यहां के किसी एक छोटे से राज्य के अर्ध राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी या उनकी जमानत पर पाकिस्तान जैसे देश में खुशी का इजहार होना या वहां के मिनिस्टर का बयान आना, क्या यह किसी तरफ इशारा कर रहा है? क्या यह इस तरफ इशारा कर रहा है जिस बात का अंदेशा प्रधानमंत्री मोदी लगातार जताते रहे कि देश के चुनावों को कुछ लोग प्रभावित कर रहे हैं? हम आपको इस बात की याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे, जब इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, उस समय विद इन 48 आवर्स और 76 आवर्स व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया था कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर हम नजर रख रहे हैं। इससे पहले भी कई तरह की रिपोर्ट्स आ गई हैं कि अमेरिकी नागरिक जॉर्ज सोरस, जो दुनिया भर में कुख्यात है अलग अलग देशों की अस्थायी सरकार को विस्थापित करने, वहां हलचल पैदा करने, देश की स्थिति खराब करने के लिए जो आदमी वांछित है, जिसकी खुद की नागरिकता अमेरिका नहीं देता, अमेरिका में उनकी नागरिकता नहीं है, वहां से निष्कासित है, वो व्यक्ति दुनिया भर में इस प्रयास में रहता है कि जो भी राष्ट्र सशक्त हैं या सशक्त लीडरशिप है उसको प्रभावित किया जाए। तो एक नेता, जो मैं फिर से कह रहा हूं कि अर्ध राज्य के सीएम हैं दिल्ली के, उनकी गिरफ्तारी पर व्हाइट हाउस का बयान आना, उनकी जमानत पर पाकिस्तान का बयान आना, क्या यह इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत में हो रहे चुनाव में विदेशी शक्तियां भी काफी इंटरेस्ट ले रही हैं? केवल इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हैं, बल्कि इसको प्रभावित करना चाह रही हैं कि किसी भी तरह से नतीजों पर असर डाला जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर क्या कहा था, पहले एक बार आप सुन लीजिए। ये जो विरोध है या जो ये तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद ना उनकी हैसियत होगी ना उनका हौसला होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा। ये जो भी हैं, मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने में लगी है, जो ठीक बात नहीं। वो अपना राय नहीं दे रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब दिया बुझने को होता है तो वो फड़फड़ाता है, लेकिन उनका अंधेरे में जाना तय है। अब सवाल है कि ऐसा क्या कारण है कि मवाद चौधरी या मवाद चौधरी की पार्टी या मवाद चौधरी के मुल्क के और भी सारे लोग, जिन लोगों को नरेंद्र मोदी से दुश्मनी है, बीजेपी से दुश्मनी है, जिनको बीजेपी अच्छी नहीं लगती या मोदी अच्छे नहीं लगते, यही लोग लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए तारीफों के पुल क्यों बांधते हैं? केजरीवाल का जमानत में जाना या जेल जाना, उस पर पाकिस्तान का रिएक्शन महत्वपूर्ण क्यों है? फवाद चौधरी इससे पहले यह भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। फवाद चौधरी ने एक बार अपने ट्विटर पोस्ट पर तो राहुल गांधी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से भी कर दी थी। तो सवाल है कि जो फवाद चौधरी के लिए नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है या बीजेपी अच्छी नहीं है, वो फवाद चौधरी के लिए देश के तमाम अपोजिशन के लीडर या पाकिस्तान के लिए इस देश के जो अपोजिशन के लीडर हैं वो सब अच्छे क्यों हैं? या व्हाइट हाउस को केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान क्यों देना पड़ता है? क्या इनका कोई संबंध है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात की आशंका जताई है?